आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल में अगर आप देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जो कतर की पहली अपडेट आ रही है जो कतर के अलवकरा सिटी है उसमें दोस्तों वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे काम शुरू होने वाला है जो कि वहाँ के लोग घूम सके अच्छे से वहाँ पर पार्क भी बनाया जाएगा और क्लीन और हेल्दी सिटी को भी बनाया जाएगा दोस्तों वहाँ पर एक छोटा सा बीच बनाया जाएगा जो कि अलवक्रा में लोग वहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और और दोस्तों वहाँ पे एक पार्क भी बनाया जाएगा जो कि दोस्तों वहाँ के टूरिस्ट लोग के लिए बहुत ही खास होगा और इसी तरह जो दोस्तों क़तर की अगली अपडेट आ रही है जो पब्लिक वर् अथॉरिटी असकल डिपार्टमेंट है उसने अनाउंस किया कि कि जो म्यूज़ियम इंटर इस्लामिक म्यूज़ियम इंटरचेंज के, के तरफ जो रास्ता ज़्यादा है उस जाता है उसे बंद करने का फ़ैसला हुआ है ये दोस्तों रास्ता एक महीने के लिए बंद रहेगा इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम किया जाएगा इसमें जो दो दो डायरेक्शन जाती है जो कि इसे भी बंद करने का फ़ैसला हुआ है खासकर दोस्तों जो इस्लामिक म्यूज़ियम इंटरचेंज है जो कि जबर बिन मोहम्मद स्ट्रीट के तरफ जाती है उसे बंद करने का फ़ैसला हुआ है दोस्तों ये आज से बिल्कुल एक महीने के लिए बंद हो जाएगा इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम किया जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेशनल के तरफ से ये ये बात उठे कि जो भी वर्कर लेबर कहीं भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए एक अच्छा सा कानून बनाया जाए अच्छा सा नियम रूल रेगुलेशन बनाया जाए ताकि वहाँ के वर्कर लेबर को कोई परेशानी ना हो तो दोस्तों इंटरनेशनल जो लेबर जो होती है उसने आवाज़ उठाया कि हर देश में लेबर वर्कर के लिए अच्छा से अच्छा नियम कानून बनाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो ये दोस्तों जो कतर नेशनल डिवीज़न 2030 तक वहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा जो भी वर्कर लेबर काम करते हैं उसके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी और जो भी कंपनी में वर्कर लेबर काम करते हैं उन्हें हर तरह से सेफ़्टी दिया जाएगा और इसी तरह दोस्तों जो कतर की अगली अपडेट आ रही है एक शख्स को दोस्तों एक साल के लिए सजा सुना दिया गया है और उन्हें एक साल के लिए जेल भेज दिया गया है वहाँ के जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों चार लोग एक घर में चु... एक चोरी के इरादे से गए थे और कुछ कार वैक्यूम कार वैक्यूम क्लीनर और कुछ बच्चों का बैग चुरा कर आ गए थे रात को तो दोस्तों सु... सुबह के टाइम में जो चार लोग जो घुसे थे उन उसने दोस्तों चारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अपना शिकायत दर्ज कराया है और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है उस उन चारों को गिरफ्तार अरेस्ट करके अदालत में पेश किया गया है जो कि दोस्तों एक लोगों पर सिर्फ एक साल की सज़ा हुई है और ये दोस्तों एक साल के लिए जेल भेज दिया गया है और इसी तरह दोस्तों आप मेरे चैनल से रोज़ गल्फ़ कंट्री के बारे में कतर कंट्री के बारे में रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें